Hello everyone, assalamu alaikum. This is me, Arif Hay. Currently, I am pursuing my bachelor's in accountancy management and law from Institute of Business Management. और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो IUBM की जो 3 minutes वीडियो है उसके बारे में. तो 3 minute की जो वीडियो है जो आप सबमिट करेंगे, अगर आप क्वालिफाई होंगे तो फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा. इंटरव्यू का मीडियम क्या होगा वो अभी बताया नहीं है उन्होंने. जैसे कि तो सबसे पहले 3 minutes वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं. तो 4 सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे. 4 सवाल पे वन बाय वन में आऊँगा. उससे पहले कुछ अहम बातें को सुनिए आप. ये जो वीडियो आप वीडियो आपके लिए आसान नहीं मुश्किल हो सकती है. डरा रही ना, हकीकत से आगा कर रहा हूँ. क्योंकि जब आप टेस्ट देते थे आपकी मैथमेटिकल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी रीडिंग स्किल्स, इन सारी चीज़ों को जज किया जा रहा था. आपके IQ लेवल को, आपकी जनरल नॉलेज को, उसके बाद जब इंटरव्यू लिया जाता था तो आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता था. लेकिन यहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहा है. ये जो 3 मिनट की वीडियो है ये बहुत क्रिएटिव होनी चाहिए. अगर ये क्रिएटिव होगी तो ही आप क्वालिफाई करेंगे, बाकी वरना आपके लिए इंटरव्यू प्रॉब्लम हो जाएगी. और अगर आप इसको क्रिएटिवली भी बना लेते हैं रट्टा लगा के, लेकिन जब आप इंटरव्यू में अपेयर होंगे और अगर आपने ज़रा भी 19-20 आगे पीछे बोला तो उसी से आपके इंटरव्यू में सवाल बनेगा और आपकी इंटरव्यू मुश्किल हो सकता है. तो इस बात का बहुत ख्याल है कि वीडियो बनाने से पहले आपने ये चीज़ देख लेनी है. कोई ऐसा सवाल, ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे आपके इंटरव्यू में ऐसा सवाल बने जिससे आप जो है जवाब ना दे सकें. क्योंकि ये इस वीडियो में आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा, बस आप अपनी प्लानिंग करके उसको अच्छे से लिख कर आप प्रैक्टिस करके बोलेंगे. लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता. इंटरव्यू में जो सवाल बनेगा आपकी वीडियो के ऊपर बनेगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना. और क्योंकि वीडियो आपको देनी है तो आपने अपनी जो ड्रेसिंग उसका बहुत ख्याल रखना है. आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, बिल्कुल भी इनफॉर्मल नहीं करनी. फॉर्मल का मतलब भी ये नहीं है कि बिल्कुल आप कोट पैंट और टाई वगैरह लगा के प्रॉपर इस तरह से होके बैठना है. बिल्कुल आपने रिलैक्स होके बैठना है वीडियो के अंदर, जिस तरह से आपको इंटरव्यू के इंस्ट्रक्शंस आपके इंस्टीट्यूट वाले दे रहे होंगे. तो बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने अपने इंटरव्यू में बैठना है. और नॉर्मल जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं और इन 4 सवाल के बारे में आप उसको बता रहे हैं, आपने बिल्कुल भी ये सोचते हुए वीडियो नहीं बनानी कि आप एडमिशन के दे रहे हैं, वरना जो आपको उस टाइम स्ट्रेस फील होगा उसका असर आपको वीडियो में आएगा. अब 4 सवाल की तरफ चलते हैं. 4 सवाल में बहुत सारी ऐसी बातें निकलेंगी जो आपको चीज़ें समझ आएंगी और मेरे जहन में जो जो चीज़ें आती रहेंगी उनसे आपको डिस्कस करता हूँ. पहला सवाल उन्होंने पूछा आपसे, ब्रीफली मेंशन योर नेम, योर स्कूलिंग एंड प्रीवियस क्वालिफिकेशन. तो 3 पार्ट है इसमें. तो ब्रीफली मेंशन योर नेम, नेम आपको उनको पहले से ही पता होगा, तो आपका नेम वो जानना नहीं चाह रहे बेसिकली, वो आपको जानना चाह रहे. तो आपने यहाँ पर सिंपली इंट्रोड्यूस कराना अपने आप, और वो भी थोड़े टाइम के, ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग टेलिंग अबाउट यू सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ही ले जाते हैं. फिर आपने अपनी स्कूलिंग बताना है. स्कूलिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपने ग्रेड्स वगैरह बता रहे हो, अपने कॉलेज बता रहे हो कहाँ से किया, आपने स्कूल लाइफ में वो कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल की थी आपने उनके बारे में भी बताना है. तो अचीवमेंट लाजमी बनाए क्योंकि अच्छा इम्पैक्ट डालेगी और आपको दूसरे स्टूडेंट से यूनिक बनाएगी. फिर इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह अपनी स्कूल लाइफ और अपने कॉलेज लाइफ में किए होंगे उसको आपने बताना चाहिए. इसके अलावा कोई भी शॉर्ट कोर्सेज वगैरह करें तो वो भी आपको बताना चाहिए जो आपको आने वाले डिग्री में आपको हेल्पफुल होंगे. तो ये चीज़ें आपने बतानी है और इट हैज़ टू बी जेन्युइन. आपने बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं बताना कि ये बिल्कुल ऐसा लगे कि आप स्पीच दे रहे हैं, कि आप जैसे स्कूल टाइम में होता था चुड़ीदार से बच्चे स्पीच याद करते तो बिल्कुल इसको टेस्ट हो रहे. आपने बिल्कुल इस तरह से बोल रहे हैं कि आप रियल बोल रहे हैं. और मैंने आपको बताया कि आपने ये फील करना है कि आप रिश्तेदार से बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो. एटलीस्ट नहीं सोचना एडमिशन के लिए आप कर रहे हो. जब आप एडमिशन के लिए करोगे तो इतने ज़्यादा फॉर्मल हो जाओगे जिससे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. फिर उसके बाद जो दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट प्रोग्राम आर यू अप्लाइंग फॉर एंड व्हाई डिड यू सेलेक्ट दैट प्रोग्राम. तो सिंपली आपने नाम बता देना है जिस प्रोग्राम में भी आप अप्लाई करना है. और जो दूसरा चीज़ है दूसरे सवाल में, दूसरा पार्ट के, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दैट प्रोग्राम, ये सवाल बहुत इम्पैक्ट डालेगा आपके एडमिशन के ऊपर कि वो आपको एडमिशन क्यों दें. क्योंकि इस सवाल का जवाब वही बच्चा दे सकेगा जो प्रॉपर रिसर्च करके आ रहा है, जो प्रॉपर चीज़ें समझ के आ रहा है कि यार मैंने अपना एलएलएस कर लिया या इंटर कर लिया और मुझे क्या करना है, क्यों करना है, क्या वजह है.
इस बच्चे को सारी बातें पता होंगी। वो आप बोल रहे हो कि इस प्रोग्राम में इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे फला अंकल हैं या फिर मेरे पापा के फला दोस्त हैं, उन्होंने बोल दिया कि ये प्रोग्राम आप कर लो, तो मैंने उनसे सुना तो मैं करता हूँ। हाँ, उन्होंने बताया, उसके बाद आपने उसमें क्या रिसर्च करी, ये डिपेंड करेगा, आप चीज़ों को समझ के आओ, ये डिपेंड करेगा। अगर डायरेक्ट किस तरह से बोल देते हो कि मुझे किसी ने बताया था, तो इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, प्रॉपर आपने रिसर्च करनी है अपने प्रोग्राम के हवाले से जिसमें आप अप्लाई कर, और इम्पोर्टेंस बतानी है उस प्रोग्राम की आपके लिए क्या है, क्योंकि हर फील्ड हर प्रोग्राम का एक अपना स्कोप है, अपनी वैल्यू है, लेकिन हर बंदे के लिए वो प्रोग्राम सुटेबल नहीं होता। आपके लिए वो प्रोग्राम जो सुटेबल है, आपने यहाँ पर वो चीज़ें बताया। फिर तीसरा सवाल, व्हाट डू यू डू वांट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन। मेरे हिसाब से ये तीसरा सवाल बहुत अहमियत का हामिल होने वाला है। उसकी वजह क्या है, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, वो अपनी सीट किसी भी ऐसे कैंडिडेट को देकर ज़ाया नहीं करती कि जिसे अपने ग्रेजुएशन के बाद अपनी डिग्री से कुछ इस्तेमाल में नहीं लाया। जो बंदा अपनी डिग्री को ग्रेजुएट होने के बाद इस्तेमाल में लाएगा, जिसके बाद एम से जो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है, उस डिग्री की वैसे उसी बंदे को एडमिशन मिलेगा। और इसका आपको जो जवाब है बहुत अच्छा होना चाहिए, किस तरह से आप अपने ग्रेजुएशन के बाद प्रॉपरली जिस प्रोग्राम में बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मीडिया साइंसेज में अप्लाई करोगे, तो आपने सोचा हुआ है कि अपने ग्रेजुएशन के बाद जो है मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में जाके काम करूंगा, और या मेरे पापा का प्रोडक्शन हाउस है, मैं उनमें सपोर्ट करना चाहता हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ, बचपन से मैंने जो है अपने पापा के साथ उनको काम करते हुए देखा है, मुझे मज़ा आता था, या मेरे फला कज़न है, मैंने उनको देखा है, तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर। तो आपने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बताना है कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इस तरह से मैं अकाउंटेंसी मैनेजमेंट एंड लॉ कर रहा हूँ, तो मैंने ये प्रोग्राम इसलिए चूज किया था क्योंकि इस प्रोग्राम में ACC और CA की एग्जीबिशन है, और मेरा इरादा है कि मैं CA में जाऊँगा या फिर CFA करूँगा, तो इस वजह से मैंने इस प्रोग्राम को चूज किया था क्योंकि यहाँ पर मुझे CA की एग्जीबिशन मिल जाती है। और अल्लाह ने कहे उस टाइम में अगर मेरा दिल नहीं करा CA करने का, तो मैं MBA फाइनेंस का भी ऑप्शन खुला रख सकता हूँ, लेकिन अगर BBA प्रोग्राम की अप्लाई करता तो मेरी एग्जीबिशन खत्म हो जाती और उसके बाद सिर्फ मैं MBA का ऑप्शन रहता, लेकिन इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की वजह से मेरे पास आपकी अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है। आपके पास भी इसी तरह जो है सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, ताकि आप प्रॉपर उन्हें बता सको। मेरे से भी ये सवाल बहुत है कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, तो मैंने उन्हें 10-15 ईयर्स का बता दिया था कि मैंने क्या सोच के रखा हुआ है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुतासर हुए थे। और मेरा जो इंटरव्यू लिया था वो AML प्रोग्राम के HOD और उन्होंने लिया था AC प्रोग्राम की HOD तजीनर सलान और AML प्रोग्राम की HOD सरताज का। फिर आपका जो तीसरा चौथा सवाल है, चौथे सवाल पूछ रहे हैं, हाउ डू यू थिंक IUBM विल हेल्प यू टू अचीव दैट गोल। ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है, और इस सवाल में आपने इस तरह से खेलना है कि आपने बिल्कुल भी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के पीछे रहकर नहीं आना, आपने IUBM तक ही रहकर करना है। यहाँ बहुत से बच्चे इस तरह से करते हैं कि IUBM के थ्रू तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ दूसरी यूनिवर्सिटीज की प्रोवाइड शुरू कर देते हैं कि इस वजह से मैं अप्लाई नहीं कर रहा। आपने अदर यूनिवर्सिटीज का नाम फिर भी ले लेना है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। अगर आप नाम लोगे तो वहाँ से सारा गेम आपका पकड़ा जाएगा। तो आपने बताना है कि IUBM आपके अचीव कैसे गोल आपके गोल को अचीव करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी IUBM के नोटेबल अलमनाई को ले रहे हैं कि भाई मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, और जिस तरह से मुझे लगा कि उन्होंने सक्सेस हासिल करी है, और बताते हैं कि IUBM का एक बहुत ही बड़ा रोल है उनको उस लेवल तक पहुँचाने तक, तो मैं इस वजह से उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, उससे ज्वाइन कर रहा हूँ। या फिर जो कैंपस लाइफ IUBM में मैं उससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छी है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंट प्रोग्राम्स IUBM ऑफर करता है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऑफर नहीं हो रहे, तो ऐसे दोस्त मुझे मिलेंगे जिनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं अगर AML का हूँ, मुझे मीडिया साइंसेज का भी सीखने को मिलेगा, मेरे दोस्त होंगे, तो एक बहुत अच्छी फैमिली बन सकती है, जो मैं जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊँगा तो मुझे काम आ सकते हैं। अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी यहाँ से जो मेरी फैमिली बनेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। तो आपने वो चीज़ें बतानी है जो IUBM आपको लगता है कि आपके गोल में मददगार साबित होगी, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना। अच्छा, अब वीडियो में एक और चीज़ ये थी कि उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश होना चाहिए। आपने इंग्लिश में बोलना है, उर्दू में बिल्कुल भी नहीं आना, और इंग्लिश का मतलब ये भी नहीं है, बहुत से बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश वीक होती है, आप लिखने में तो लेकिन अच्छे होते हैं, आके आपने लिख लिया और लिखने के बाद आप जो है प्रॉपर उसको डरते की तरह जैसे तोता बोलते हैं आपको बोलते हैं, इस तरह से आप नहीं करना, आपने उसको जो है प्रॉपर आपने अपने
पॉइंट बुलेट पॉइंट्स बना लें और फिर बुलेट पॉइंट बनाने के बाद आपने ये भी डिसाइड कर लेना कि किसको कितना टाइम देना है, क्योंकि 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए। फिर जब आप उसको बोलना शुरू करेंगे तो आपने ये सोच के बोलना है कि यार मैं जिससे बात कर रहा हूँ कि मेरे सामने मोबाइल नहीं है या मेरे सामने कैमरा नहीं है, जो जिससे भी आप वीडियो बनाएंगे आपने ये सोचना है मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई मेरा कज़न बैठा हुआ है, मेरे सामने कोई अंकल बैठे हैं, आपने इस तरह से बात करनी है। ये कोशिश करिएगा कि अपने पीछे किसी अपने फादर वगैरह को या फिर अपनी किसी बड़े कज़न वगैरह को बैठा लें और उसकी तरफ देखते हुए बोलें और कैमरे इसको बिल्कुल पीछे खड़क रहेगा ताकि आपके जो बोलने में बिल्कुल भी नर्वसनेस ना आए, क्योंकि बहुत से लोगों को कैमरे की आगे बोलने की आदत नहीं होती। मैं आपको जैसे अपनी एग्जाम्पल दूँ, मैंने जब नया यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी लैपटॉप को रिकॉर्ड करने, एक एक वीडियो रिकॉर्ड करने में 10-20 ट्राय लग जाते थे, और अब मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो अलहमदिल्ला 1-2 मेरे बार ट्राई करने में वीडियो बन जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, सामने किसी और चीज़ बंदे को बिठा लेना है कि आपको साथ। अच्छा, मजीद इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, मैंने लास्ट ईयर जितने भी बच्चों तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त UVM में आए रहे, तो मैंने उनसे जो उनके इंटरव्यू होते उसके क्वेश्चन वगैरह लिखे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है UVM के किस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे आगे जाके इंटरव्यू किस तरह का होता है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, बाकी इंटरव्यू में इंशाल्लाह कोई अनदर वीडियो बनाऊंगा उसमें आपसे बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा। लिंक मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, वहाँ आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट में भी अगर आप नीचे लिख देंगे तो मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूँगा। बाकी अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के शेयर कर दें, क्योंकि अभी क्लियर हो रहे हैं इस बार 2020।